चिटफंड समेत अन्य कंपनियों के खिलाफ यदि शिकायत ही ना हो तो पता ही नहीं चल पाता कि लाखों लोगों के निवेश को किस अंधेर गर्दी के साथ लूटा जा रहा है। निवेश की राशि दुगनी करने के नाम पर 15 करोड़ से ज़्यादा की ठगी करने वाले जगदीश बिश्नोई को जयपुर की जवाहर नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बिश्नोई की गिरफ्तारी पर 5,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। जवाहर नगर थाना पुलिस के हत्थे चढ़ा ये शातिर ठग जगदीश बिश्नोई है। इस शातिर ठग ने पहले प्रॉपर्टी दिलाने या टाउनशिप के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए ठगे। इसके बाद इस शातिर ठग ने इंटरनेट कंपनी bullman.com के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। कंपनी ने आईडी सिस्टम के जरिए लोगों से मोटी रकम निवेश करने का ऑफर दिया। इसके बदले 8 महीनों में निवेश की राशि दुगनी करने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए जमा कर लिए। करोड़ों रुपए की ठगी की भनक लगते ही पीड़ित थाने पहुंचे और मामला दर्ज कराया। उनकी एक बुलमैन मार्केटिंग नाम से कंपनी थी उस टाइम पे, जिसमें उन्होंने जासा देते थे कि 8 महीने में आपका जो भी पैसा है वो डबल हो जाएगा। तो हम जब ऐड हुए थे 1-2 महीने हमारे पास पैसा आया था, उसके बाद हमारे पास कोई पैसा नहीं आया। उससे पहले भी उन्होंने बैंक गारंटी का भी वादा किया था, हमें 5 लाख की बैंक गारंटी भी दिलाई थी कोटक महिंद्रा बैंक से, जो हमने विड्रॉ करना चाहा जब उसको, कि हमने कहा कि अब इनसे इनके यहाँ से पैसे आने नहीं हैं। तब हमने कहा 5 लाख तो हम अपने ले लेते हैं इस बैंक गारंटी से। तब उस बैंक गारंटी के भी जब हमने फाइल लगाई कोटक महिंद्रा बैंक में, तब इन्होंने उस टाइम पर भी हमें झूठे वादे किए कि ये बैंक गारंटी विड्रॉ छोड़ दो, उसको कैंसिल करा देते हैं, हम 1 महीना उसको पोस्टपोन कर देते हैं, उसके बाद तुम्हारा पैसा सारा लौटा देंगे। जब हमने इनकी फाइल वगैरह लगाई कमिश्नरेट वगैरह जहाँ पर फाइल लगाई हमने, और प्रताप नगर थाने में हमारी FIR भी दर्ज है, बट उसके बाद थोड़ा टाइम बाद ये फरार हो गया था। पुलिस के हत्थे चढ़े शातिर ठग जगदीश ने मासूम लोगों को .com कंपनी में निवेश के नाम पर मोटा मुनाफा देने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी की। कई थानों में मामले दर्ज होने के बाद आरोपी राजधानी से भागकर फरारी काट रहा था। लंबे समय बाद पीड़ित न्याय गुहार लिए पुलिस अधिकारियों से मिले और फिर पुलिस ने आरोपी जगदीश की तलाश तेज की। इस दौरान पुलिस को शातिर ठग जगदीश के गुरुग्राम में फरारी काटने की सूचना मिली। जवाहर नगर थाना पुलिस ने गुरुग्राम में घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। बेसिकली ये एक तरीके से देखा जाए तो बहुत बड़ा ठग, जिसको कहा जाए करीब 10 से 15 करोड़ रुपए की ठगी कर रखी है इसने, क्योंकि ये काफ़ी समय से फरार था। इसके परिवादी मेरे पास आए तो एक टीम गठित की गई, गुड़गांव में पता चला इसका लोकेशन, तो पहले एक रेकी करने के लिए टीम भेजी गई। शातिर तरीके का ये जो क्रिमिनल है ये कहीं भाग न जाए, इसलिए एक पूरी तरीके से घेराबंदी करके हमने ये इंश्योर किया कि हमारी टीम जब भी रेड डाले तो 100% सक्सेस के साथ आए। तो अभी हमारी गिरफ्त में आ चुका है और हम इससे पूछताछ करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। माने तो श्री गंगानगर निवासी आरोपी जगदीश बिश्नोई के खिलाफ प्रताप नगर, जवाहर नगर व शिप्रापथ थाने में करीब 10 मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। माना जा रहा है कि ठगी की इन वारदातों में आरोपी की पत्नी और कंपनी के अन्य अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। जगदीश बिश्नोई नाम का ठगी का आरोपी था जो काफ़ी समय से फरार चल रहा था। इसके ऊपर 5,000 रुपये का इनाम भी जनवरी माह में घोषित किया गया था। इसके अगेंस्ट करीब 7 से 8 मुकदमे पेंडिंग हैं। जो मुकदमे हैं उसमें एक इसकी वाइफ है धीरा नाम से और एक मार्केटिंग हेड राजेश्वर सिंह का भी नाम है, जिसके बारे में अनुसंधान किया जाएगा और यदि उनका जो भी रोल पाया जाएगा उस हिसाब से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। करोड़ों रुपए की ठगी कर फरार हुए शातिर ठग भले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया हो, लेकिन ठगी की रकम बरामद करना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि पूछताछ के बाद कुछ और वारदातों का खुलासा हो सकता है।